Hey guys, I'm Pornath and once again welcome back to my new channel. So आज का वीडियो होने वाला है काफी स्पेशल बिकॉज आज मैं आपको टूर कराने वाला हूँ अपनी सारी आर्ट सप्लाइज का जितना भी मैंने लास्ट ईयर में कलेक्शन किया है तो मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ. सो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी पेंटिंग से रिलेटेड सारी आर्ट सप्लाइज दिखाने वाला हूँ, चाहे वो ऑयल मीडियम के हों, एक्रिलिक मीडियम के हों, वाटर कलर मीडियम के हों या पेंसिल मीडियम के हों. तो आज मैं आपको सारे कलर मीडियम में रिलेटेड मेरे पास जितनी भी आर्ट सप्लाइजेज हैं उनसे रिलेटेड वो सब मैं वन बाय वन दिखाने वाला हूँ. सो आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज मैंने काफ़ी ईयर्स से इन्हें कलेक्ट करना शुरू किया है तो काफ़ी ईयर बाद फाइनली आज मेरे पास इनफ आर्ट सप्लाइज हो चुकी हैं. तो आई एम रियली एक्साइटेड टू गिव यू गाइज अ टूर अबाउट इट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट द वीडियो गाइज. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद कलर्स. तो सबसे पहले ये है एक्रिलिक कलर का एक बॉक्स जिसमें है 12 शेड्स प्रोफेशनल ग्रेड का एक्रिलिक कलर्स हैं फ्रॉम कैमलिन. एंड इनकी एक खास बात यह है कि इसमें एक्रिलिक कलर्स के साथ साथ एक जेल मीडियम एंड स्लो ड्राइंग मीडियम है रिटार्डर, तो ये काफ़ी खास है इसमें. एंड अभी तक ये मैंने ट्राई नहीं किए हैं तो मैं जल्दी इनको ट्राई करने वाला हूँ एंड देन विल सी कि कैसा रिजल्ट रहता है इनसे. वेरी एक्साइटेड टू यूज़ दिस. एंड इसकी कॉस्ट अराउंड 1200 थी. सो इसे रखते हैं साइड, देन मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट कलर. ओके देन है ये कैमल के आर्टिस्ट ग्रेड ऑयल कलर एंड इसमें भी पूरे 12 ग्रेड्स हैं कलर्स के एंड इसका मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ. इसकी कॉस्ट है अराउंड 775. देन मेरे पास एक और ऑयल कलर है ये सेम कैमल ब्रांड के लेकिन ये स्टूडेंट ऑयल कलर है. तो पहले मैंने ये परचेज किए थे ऑयल कलर से पेंटिंग सीखने के लिए एंड इसकी कॉस्ट है अराउंड 570. तो ये तो थे एक्रिलिक एंड ऑयल मीडियम्स. देन एक ये कैमल के फैब्रिक का एक्रिलिक कलर्स भी हैं, इनसे भी मैं ऑलरेडी पेंटिंग कर चुका हूँ एंड ये थोड़े से सस्ते हैं 185 के ओनली. देन अगर वाटर कलर की बात करूँ तो वाटर कलर में है मेरे पास कोई ब्रांड के ये वाटर कलर्स जो कि काफ़ी फेवरेट हैं मेरे एंड इनसे काफ़ी अच्छी पेंटिंग भी बनती है एंड इसकी कॉस्ट अराउंड 1800 है. वाटर कलर में एक और है कैमल के स्टूडेंट वाटर कलर ट्यूब्स, इसके अंदर 12 ट्यूब्स हैं एंड इसकी कॉस्ट 95 ओनली. तो ये दो तरह के वाटर कलर्स भी हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पेंसिल कलर मीडियम. सो पेंसिल कलर में मेरे पास सबसे पहले अप्सरा का ये प्रीमियम कलर पेंसिल सेट जिसकी कॉस्ट है एंड इसकी कॉस्ट है 300 रुपीज. देन मेरे पास हैं कैमलिन के ये कलर पेंसिल 24 सेट्स एंड इसकी कॉस्ट है ओनली 100. देन देयर इज वन मोर कलर पेंसिल सेट डोम्स एंड ये आई थिंक 20 रुपीज़ का ही होगा. देन मेरे पास हैं कैमल के सॉफ्ट पेस्टल्स जिसकी कॉस्ट है अराउंड 200 एंड ये भी मैं यूज कर चुका हूँ, दे आर रियली गुड. ओह सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस बट आई हैव टू मेक अ ह्यूज अनाउंसमेंट. तो इस नए चैनल पे मेरे काफ़ी सारे आर्ट कॉम्पिटिशन्स एंड गिव अवेज आने वाले हैं. सो उसमें आपको एंटर करने के लिए सिंपली मेरे चैनल पे एक्टिव रहना होगा. तो जो मेरे चैनल पे जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा, जितना ज़्यादा कमेंट्स करेगा एंड इंस्टाग्राम पे शेयर करेगा उसके उतने ज़्यादा चांसेस होंगे गिव अवे को विन करने के, आर्ट कॉम्पिटिशन में एंटर करने के. सो मेक श्योर कि आप मेरे हर वीडियो को एंड तक देख रहे हैं एंड उसमें कमेंट कर रहे हैं क्योंकि किसी भी वीडियो में मैं गिव अवे की डिटेल्स डाल सकता हूँ, आर्ट कॉम्पिटिशन की डिटेल्स डाल सकता हूँ. सो दैट विल बी सरप्राइज फॉर यू गाइज. एंड जो मेरे चैनल पे जितना ज्यादा एक्टिव रहा होगा, जिसके जितने ज्यादा मैंने कमेंट देखे होंगे, उसके गिव अवे विन करने के उतने ज्यादा चांसेस होंगे. सो प्रॉब्ली नेक्स्ट 1-2 वीक में मैं फर्स्ट गिव अवे एंड आर्ट कॉम्पिटिशन रखने वाला हूँ. सो ट्राई टू स्टे एक्टिव ऑन माई चैनल. इसके अलावा मेरे पास मार्कर पेन्स हैं डोम्स के वाटर कलर पेन्स जिसकी कॉस्ट है ओनली 35. ऐसे ही एक और है स्केच पेन ओनली 25 एंड इसका मैंने अभी तक यूज नहीं किया. एंड अगर आप ऑयल पेंटिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि वाइट कलर जो है काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने एक अलग से वाइट कलर की ट्यूब परचेज की थी. तो ये वाइट कलर ट्यूब है 60 ml एंड इस सिंगल ट्यूब की कॉस्ट है 230 रुपीज़. सो ये तो थे मेरे कलर मीडियम्स जितने भी मैंने आज तक परचेज किए हैं एंड इसके साथ ही एक और मीडियम है मेरे पास ये जेल पेन्स का. सो इसमें ये सारी जो है जेल पेन्स हैं एंड सब कलर में है इसमें. ये मैंने अभी तक ट्राई तो नहीं किए हैं बट मैं जल्दी इसे ट्राई करूंगा एंड आई डोंट नो इसकी कॉस्ट कितनी है, इसे फिलहाल रख देते हैं. तो सो दिस वॉज द कलेक्शन ऑफ माई पेंट एंड कलर्स. सो अभी फिलहाल इन्हें साइड रखते हैं एंड मैं आपको कुछ मीडियम्स दिखाता हूँ. तो अब मैं आपको बाकी आर्ट सप्लाईज दिखाता हूँ जो कि आपको पेंटिंग्स में या अपनी ड्राइंग्स में जरूरत पड़ेगी जिनकी. तो सबसे पहले अगर आप ऑयल पेंटिंग करते हैं तो आपके पास ये मीडियम होना भी जरूरी है. तो ये प्यूरिफाइड लिंसीड ऑयल है
एंड एक्रिलिक कलर के लिए मेरे पास ये वाला मीडियम है, एंड एक वार्निश भी है, लिटिल बर्डी डेकोर वार्निश, सो आपकी पेंटिंग में साइन लाने के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं ये। सो ये तो थे कुछ मीडियम्स। पेंटिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है आर्टिस्ट जैसो। सो अगर आपकी कैनवास ख़राब हो जाते हैं या आपको कैनवास की स्मूथ सरफेस चाहिए तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं या आर्टिस्ट जैसो। तो इसकी कॉस्ट है 500 के अराउंड। तो इनको भी अभी रखते हैं साइड। नाउ मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंट ब्रशेज जो मैं यूज करता हूँ। तो सबसे पहले ऑयल पेंटिंग के लिए मैं यूज करता हूँ दीज हॉग हेयर ब्रशेज, जिसमें डिफरेंट साइज के ब्रशेज थे, कुछ मैंने यूज कर लिए हैं, ये अभी अनयूज्ड हैं। एंड और भी काफ़ी ब्रश सेट हैं जो मैंने यूज नहीं किए हैं, जैसे ये सिंथेटिक ब्रश का सेट एंड दिस वन ये भी है एक। सो ये है मेरे पास डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रशेज। तो ये अभी मेरे पास एक्स्ट्रा बचे हैं एंड काफ़ी अभी मैं यूज भी कर रहा हूँ, वो भी दिखा देता हूँ। सो इसके अलावा जो ब्रशेज मैं फिलहाल यूज करता हूँ वो ये हैं, इनका मैं यूज कर रहा हूँ। एंड वन मोर थिंग, ये है पैलेट नाइफ्स। तो अगर आप कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाते हैं या कोई एक यूनिक टच देना चाहते हैं अपनी पेंटिंग में तो आप इनका यूज कर सकते हैं, एंड कलर मिक्सिंग में भी यूज होते हैं। सो यूनिक पेंटिंग्स के लिए काफ़ी बेटर रहते हैं ये कलर पेस्टल्स। इसके अलावा मेरे पास है कुछ वाटर कलर पेपर्स आर्टो ब्रांड के, एंड ये भी हैं। सो ये 100% सेल्यूलोज है एंड ये 100% कॉटन है। एंड एक थिंग जो कि काफ़ी हेल्पफुल रही मेरे लिए वो थी ये कैनवास रोल। तो ये कैनवास रोल 5 मीटर लॉन्ग एंड 3 फीट चौड़ा है, तो छोटी से छोटी पेंटिंग एंड बड़ी से बड़ी पेंटिंग इसमें हम बना सकते हैं काफ़ी इजीली। सो ये भी कैनवास कैमल ब्रांड का ही है एंड इसकी कॉस्ट है 1800। फाइन ग्रेन है तो काफ़ी अच्छा रहता है फाइन ग्रेन कैनवास। सो ये थी मेरी आर्ट सप्लाई जितनी अभी तक मेरे पास हैं या जितनी मैंने कलेक्ट की हैं। सो इस साल मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग करने वाला हूँ, जैसे कि आपको मैंने बताया था, तो मैं हर एक मीडियम को इसमें ज़रूर ट्राई करूँगा एंड इससे रिलेटेड आपके लिए नई नई पेंटिंग्स नए नए ट्यूटोरियल्स लेके आने वाला हूँ। सो आई एम श्योर कि आप मेरे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड इसे सपोर्ट करेंगे जैसे आपने मेरे ओरिजिनल चैनल को भी सपोर्ट किया था। सो ये था मेरी सारी आर्ट सप्लाइज का कलेक्शन जो मैंने ओवर द ईयर्स कलेक्ट किए हैं, एंड आई थिंक इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा खर्चा ऑलरेडी कर लिया है। एंड एक आर्टिस्ट के लिए यही होता है कि जितनी आर्ट सप्लाइजों से कम ही लगती हैं, सो मुझे भी अभी काफ़ी चीज़ें और परचेज करनी है, डिफरेंट डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम। सो होपफुली फ्यूचर में मैं और भी ज़्यादा इस कलेक्शन को बढ़ा पाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, एंड कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपके पास सबसे कॉस्टलीस्ट आर्ट सप्लाई कौन सी है। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड पेंटिंग से रिलेटेड ऐसे और भी वीडियोज को देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस नए चैनल को। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।